की वीडियो में मैंने दुर्गा पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया एंड बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस मेकअप लुक को नहीं क्रिएट कर सकते, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लग रहा है, सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाई आई गॉट दिस लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ एज अ टोनर एंड ये सिवलिन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद नेम गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ क्योंकि मैं जस्ट इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे पर्सनली ये रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगा। आप रोज़ वाटर अप्लाई करके या तो उसे टैप टैप मत करो, ये ऑटोमेटिक अपने फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, या टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लो या मिक्स कर लो अपने फेस पर। देन मैंने यहाँ पे NYBA का फेस सीरम यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा फेस सीरम है, प्लस मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे मालियों का प्राइमर यूज़ किया, इसमें गोल्ड चंकी पार्ट्स है, ये काफ़ी अच्छे से पोर्स में मिनिमाइज़ हो जाता है एंड अगर आप कोई भी प्राइमर ऐसा ही यूज़ करो जो अच्छे से पोर्स मिनिमाइज़ कर दे, जो अपना फाउंडेशन है वो अपने स्किन के अंदर ना जाए एंड अपने स्किन को डैमेज ना करे। देन मैंने यहाँ पे मालियों का शेड 01 मूस यूज़ किया है एंड यहाँ पे मेबलिन फिटमी फाउंडेशन यूज़ किया। इससे पहले भी मैंने ये वाले दोनों मिक्स करके अप्लाई किया था अपना बेस, मुझे वो बेस काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने जब भी मतलब मैंने सोचा कि मेरे को आज हैवी मेकअप करना है, हैवी बेस करना है, सो दैट्स वाई मुझे उस दिन बेस अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसी तरह से आज भी अपना बेस अप्लाई करूँ, ट्राई करके देखूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमेशा टैप टैप करके फाउंडेशन को ब्लेंड किया करो, स्प्रेड बिल्कुल भी मत किया करो, स्पेशली अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर है तो बिल्कुल भी स्प्रेड मत करना। अगर फेशियल हेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा बहुत अपना स्प्रेड करते हैं तो चल जाता है, बट जब फेशियल हेयर होते हैं तो स्प्रेड मत किया करो, हमेशा ब्लेंड किया। नेक्स्ट आई यूज़ दिस सिस ब्यूटी कंसीलर पैलेट, ये बहुत अच्छा पैलेट है, इसमें से मैंने ये येलो शेड लिया है, इसे मैं एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये येलो शेड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मेरे स्किन पे, बट अगर आप मेरे से ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हो तो आप पे तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन मैंने इसी पैलेट से एक कंट्यूर शेड था, बट ये कंट्यूर बहुत ही लाइट है, मतलब ये इतना भी लाइट नहीं है, थोड़ा ठीक है बट कैमरे पर ओवर ही लाइट लग रहा था, आई डोंट नो वाई, शायद लाइटिंग की वजह से, क्योंकि वीडियो में थोड़ी लाइटिंग एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है हमेशा। सो मैंने ये वाला कंट्यूर अप्लाई किया है, हल्का ही कंट्यूर लगाया है मैंने, ज़्यादा ओवर नहीं कराया कंट्यूर को, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लाइक नेचुरल सा लगे। देन मैंने यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट यूज़ किया एंड मैं इस कॉम्पैक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ करी हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता भी होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई अपना हैवी मेकअप करती हूँ तो मैं पर्पल के प्रोडक्ट ही यूज़ कर एंड टैप टैप करके मैंने इस कॉम्पैक्ट को अप्लाई किया एंड देन ब्लेंडर से अच्छे से अपने पूरे फेस पे टैप टैप कर लिया ताकि जो भी एक्सेस पाउडर हो वो निकल जाए। देन मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिप बाम यूज़ किया था ब्लू हेवन का एंड देन सबसे पहले आईब्रोज फिल करेंगे एंड आईब्रोज फिल करने से पहले अपने आईब्रोज को कॉम कर लिया करो, क्योंकि अगर आईब्रोज फिल नहीं भी करनी आती है तो थोड़ा सा कॉम करने से शेप आ जाती है, जिससे अपने ईजिली अपना आईब्रोज फिल कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे SFR का आई शेडो पैलेट यूज़ किया, इसमें से मैंने ब्राउन एंड ब्लैक कलर लिया है जिससे मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। ब्लैक कलर को मैं हमेशा अपने मतलब लाइट लास्ट साइड में एंड जो ब्राउन कलर है उसको मैं अपने फ्रंट साइड में मतलब आगे वाले पार्ट में अप्लाई करती हूँ ताकि एकदम नेचुरल सा लगे। आज पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ बीच बीच में। देन मैंने यहाँ पे अकेन उसको स्पुली से कॉम कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे मैक का कंसीलर यूज़ किया है जिससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हमेशा आईब्रोज को क्लीन कर लो, थोड़ा से अंदर से ऐसे मतलब ब्रश को लेके क्लीन किया करो ताकि वो अच्छा लगे, एकदम फिनिश लगे एंड प्लस वो हाईलाइटिंग का भी बहुत अच्छा काम करेगा कंसीलर। देन मैंने यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट यूज़ किया जिसमें से मैंने ऑरेंज शेड लिया था एंड अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। लाइक आपको कलर लेना है, हल्का हल्का बिल्डअप करना है एंड देन ब्लेंड करते रहना है। आप जितना अच्छा से ब्लेंड करोगे आपके जो आई शेडो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब हर काम होता है ना वो ब्लेंडिंग का ही होता है कि आप उसको कितने अच्छे से ब्लेंडिंग करो। अगर आप सिंपल सा भी मेकअप करते हो ना तो ब्लेंडिंग अच्छी रखोगे तो वो मेकअप भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, आई मेकअप मतलब। देन मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का न्यून आई शेडो पैलेट लिया था जिसमें से मैंने ये ब्राउन पर्पल शेड लिया एंड अपनी आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको अच्छे से अगेन हम ब्लेंड कर लेंगे। देन अगेन सेम पैलेट से ही मैंने गोल्डन शेड लिया जिसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये शिमर है एंड इसमें बहुत से चंकी पार्ट्स है, इसलिए आप जब भी अपना शिमर अप्लाई करते हो जिसमें चंकी पार्ट्स हो उसे डायरेक्ट अपने मतलब आईलिड पे मत अप्लाई करो, हैंड पे लिया करो, हल्के से ब्लेंड करके एंड देन अप्लाई किया करो। इससे फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होता, ट्रस्ट में बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। देन मैंने यहाँ पे मालियों का आईलाइनर यूज़ किया है, सिंपल सा आईलाइनर है, आपको 100 या 120 रुपीज़ में नॉर्मली लोकल मार्केट में किसी पे भी शॉप पर आपको ईजिली मिल जाएगा, बट या बहुत अच्छा मुझे आईलाइनर लगा ये वाला। देन मैंने यहाँ पे पर्पल का मस्कारा यूज़ किया क्योंकि इससे अच्छा मस्कारा आई डोंट थिंक सो मुझे अभी तक कोई मैंने यूज़ किया है। सो मैंने हैवी मेकअप किया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे
पर्पल का मस्कारा यूज़ किया, बट आप अपना कोई भी फेवरेट मस्कारा यूज़ कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे मेबलिन का काजल यूज़ किया, ये बहुत अच्छा काजल है एंड आपने यूज़ किया ही होगा मे बी, एंड अगर नहीं यूज़ किया तो आप पर्पल का यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ। देन मैंने सेम जिसे अपने आउटर वी पे अप्लाई किया था कलर, उसे अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मच कर लिया। स्मच जरूर किया करो, आईज बहुत सुंदर लगती है। देन मैंने यहाँ पे सेम वाइन शेड लिया, जिसे वाइन शेड नहीं, मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड लिया था, क्योंकि पहले मैंने वाइन शेड लिया था बट वो इतना दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा वाइन शेड लूँ, बट ये भी इतना फोकस में नहीं आ रहा था, आई थिंक लाइटिंग की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा आज हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया था। एंड यहाँ पे मैंने HR के आई लैशेज यूज़ किए थे, जिसे मैंने अपने इसमें काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने हॉल में नहीं दिखाए हैं, एंड अगर आपने अभी तक मेरा हॉल नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो मेरा हॉल, इसमें मैंने बहुत सारे बजट वाले बिगिनर्स के लिए हॉल दिखाया है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है जो आप बाय भी कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे HR का 9 कलर आई शेडो पैलेट नहीं ब्लशर पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने पिंक कलर को लेकर अपना ब्लशर अप्लाई किया, बहुत अच्छा ब्लशर है, इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। देन मैंने यहाँ पे कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया, हाँ मैंने हुडा ब्यूटी का अनदर पैलेट से एक सिल्वर शेड लिया, जिसे मैं अपने फेस मतलब यूजुअल पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा पैलेट है, आप मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैलेट ट्राई करे हैं बट मुझे इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। देन मैंने यहाँ पे एडेस का लिप लाइनर यूज़ किया था, एज़ ऑलवेज मैं लिप लाइनर करके लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो। देन मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक ली थी, एक हुडा ब्यूटी की एंड एक मालियों की, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ मालियों की लिपस्टिक अप्लाई करी है, सो यार।